प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक आज आप लोगों को चरक संहिता का जो रसायन अध्याय वह पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो पहले हम लोग धन्वंतरी स्तुति कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगा, वो पहले सुनने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सागर मंथ से जग में आए, अमृत कलश भी आ बहुलाए, गल बैकुंठ पीतांबर ओढ़े, विपदा जानु आए दौड़े दौड़े, दौड़े दौड़े आए तुम दौड़े दौड़े, दौड़े दौड़े आए तुम दौड़े दौड़े, नमो नमो धन्वंतरि देवा, ओम नमो धन्वंतरि देवा, नमो नमो धन्वंतरि देवा, ओम नमो धन्वंतरि देवा, हरि हरि धन्वंतरि देवा। सावन भर में लंबी भुजाएं, जगमग जगमग चारों दिशाएं, एक भुजा में शंख ही साजे, दूजी भुजा संग चक्र विराजे, चक्र विराजे तोरे चक्र विराजे, चक्र विराजे तोरे चक्र विराजे, नमो नमो धन्वंतरि देवा, ओम नमो धन्वंतरि देवा, नमो नमो धन्वंतरि देवा, से जग सब क्षेत्र, केश सजे और कानों में कुंड, दम के सारा आभा मंडल दम के आभा मंडल, आभा मंडल दम के आभा मंडल, नमो नमो धन्वंतरि देवा, ओम नमो धन्वंतरि देवा, नमो नमो धन्वंतरि देवा, असुरों को छतायो, देवों को ऊर्जा पुनः दिलायो, कैसी लीला प्रभु आप दिखाई, सागर रतन बनु जगद चौंकाई, जगद चौंकाई तुम जगद चौंकाई, जगद चौंकाई तुम जगद चौंकाई, नमो नमो धन्वंतरि देवा, ओम नमो धन्वंतरि देवा, नमो नमो धन्वंतरि देवा,
तुम आयुर्वेद जगत को दीना, पीड़ित रोगों से मुक्ति कीना, रोग उपचार के तुम हो स्वामी, स्वर्ग लोक के तुम अमृत नामी, अमृत नामी तुम अमृत नामी, अमृत नामी तुम अमृत नामी, नमो नमो धन्वंतरि देवा, ओम नमो धन्वंतरि देवा, नमो नमो धन्वंतरि देवा, ओम नमो धन्वंतरि देवा, हरि हरि धन्वंतरि देवा। जरा रोग के आप हो भक्षक, आपन जन के आप हो रक्षक, अच्छा स्वास्थ्य आप हो बनावो, मृत्यु भय से आप हो बचावो, आप हो बचावो प्रभु, आप हो बचावो, आप हो बचावो प्रभु, आप हो बचावो, नमो नमो धन्वंतरि देवा, ओम नमो धन्वंतरि देवा, नमो नमो धन्वंतरि देवा, कभी निकट न आवे, तुमरी जोहित आरती गावे, सुख समृद्धि फल सदा वो पावे, सदा वो पावे फल, सदा वो पावे, सदा वो पावे फल, सदा वो पावे, नमो नमो धन्वंतरि देवा, ओम नमो धन्वंतरि देवा, नमो नमो धन्वंतरि देवा, से करो दूर दुख, मंगला शीश से रखो अपने पासा, सब जन तुम रे चरणों के दासा, चरणों के दासा तोरे, चरणों के दासा, चरणों के दासा तोरे, चरणों के दासा, नमो नमो धन्वंतरि देवा, ओम नमो धन्वंतरि देवा, नमो नमो धन्वंतरि देवा, प्रदीप रचि आरती तिहारी, सब जन सुख दोहे बलिहारी, हाथ जोड़ कर आरती तुम्हारी, कष्ट हरो सखे पालन हारी, पालन हारी सखे पालन हारी, पालन हारी सखे पालन हारी, नमो नमो धन्वंतरि देवा, ओम नमो धन्वंतरि देवा, नमो नमो धन्वंतरि देवा, से करे जन सेवा, जय 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 धन्वंतरि देवा, जग कल्याणी बाटो तुम मेवा, जय 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 धन्वंतरि देवा, देवा हो देवा धन्वंतरि देवा, देवा हो देवा धन्वंतरि देवा, नमो नमो धन्वंतरि देवा, ओम नमो धन्वंतरि,
मिनट, मैं अभी ना अपने गुरुजन और लोगों को प्रणाम करते हुए जो चरक संहिता का हमारा शुरू हो रहा है अभ्या मतलब के रसायन का आगे का वह मैं शुरू करता हूँ। एक मिनट बस मुझे। अभी कल मैंने रसायन वाला जो था वह श्लोक बता दिया था, अब हम बाजीकरण की तरफ आ रहे हैं। तो चरक संहिता में अभ्यामल के अध्याय है उसमें 9वां जो श्लोक है पहला अध्याय का वह हम देखते हैं। तो इसमें बाजीकरण के बारे में बताया है, तो इसमें बताया है कि अपत्य संतान करम यत सद्य संपहर्षणम वाजी 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 वाति बलो ये न यात प्रतिहत स्त्रिय भवत्यति प्रिय स्त्रीणाम ये येनोपचीयते जीर्यते अपशयम शुक्रम फलवद्येन दृश्यते प्रभुत शाख शाखी व येन चैत्यो यथा महान भवत्यर्चो बहुमतः प्रजानाम सुबहु प्रजः संतानमूलम येनेह प्रत्य चनन्त्यमश्नुते यशः श्रियं बलम पुष्टिम वाजीकरणमेव तत्। तो पहले के जमाने में ऐसा माना जाता था कि जिस पुरुष को बहुत ज्यादा संतान हो, आज के जमाने में तो पॉपुलेशन को उस पर कंट्रोल करने के लिए बहुत जोर दिया जा रहा है, लेकिन पहले के जमाने में जितना संतान उत्पन्न होते थे उतना अच्छा माना जाता था। तो वाजीकरण का मतलब है कि घोड़े की तरह अश्व की तरह जो ताकत देता है मैथुन करने का सामर्थ्यवान बनाता है, तो उसको ही सब तो आप लोगों को पता है कि कौरव जो थे वो 100 थे और उस जमाने में ऐसा होता था कि बहु प्रजा होनी चाहिए। जिस तरह से कोई वट वृक्ष है या कोई बड़ा वृक्ष है जिसमें बहुत सारी शाखाएं वगैरह हैं तो उसको सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये जो संतान परंपरा है वह अच्छा हो, मतलब आप लोगों को यह पता होगा कि श्री रामचंद्र जी हैं उनकी जो वंशावली देखा जाता है तो कहाँ से वो आ रही है, और ऐसा बोला जाता है अपने धर्मशास्त्रों में कि पहले 72 जो रहते हैं मतलब वंश उसमें अगर पुण्य किया जाए तभी भगवान का अवतार होता है। तो मतलब हमारे संतान हो बहुत एकदम सुदृढ़ हो, ओजस्वी हो, वीरवान हो और बहुत मेधावी हो, इसके लिए जो चिकित्सा किया जाता है एंजॉयमेंट करने के उद्देश्य से नहीं, मतलब सुप्रजा सुसंतान की उत्पत्ति हो उसके लिए जो कुछ मेडिसिन दिया जाता है और उसके लिए मतलब सृष्टि का जो नियम है रिप्रोडक्शन, तो उसके लिए जो अच्छी से अच्छी दवाइयां दी जाती हैं वह आयुर्वेद में वाजीकरण जो है उसके अंतर्गत आती हैं। तो इसी को बताते हैं कि जो औषधि अपत्य परंपरा को, मतलब अपत्य परंपरा क्या होगा कि पहले पुत्र, अगर हम लोग ये देखेंगे कि हमारा पुत्र फिर उसका पुत्र प्रपौत्र और उसके बाद में पुत्र पौत्र और प्रपौत्र, मतलब हमारा बेटा उसका बेटा उसका बेटा, यह परंपरा जो है वो अच्छी तरह से हो इसके लिए हमें अपना जो शुक्र धातु है वो बहुत अच्छा करना चाहिए। शुक्र अच्छा रहेगा तो फिर आगे जो जीन्स जाएंगे क्रोमोजोम जाएंगे वो एकदम अच्छे क्वालिटी के जाएंगे। तो इसको परंपरा को बनाए रखने के लिए और सद्य प्रहर्ष उत्पन्न करे, मतलब ये प्रहर्ष होता है एक्साइटमेंट तुरंत होना चाहिए। आजकल के पेशेंट आते हैं हमारे पास तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर हमको प्री मैचर इजैकुलेशन हो जा रहा है, शुक्र धातु तुरंत ही निकल जा रहा है, या फिर सेक्स फटीक हो रहा है, या फिर जो धातु है वीर्य है वो बहुत ही पतला है, इतना पतला है इतना पतला है कि मतलब 2 मिनट में ही निकल जाता है। तो इससे क्या होता है नपुंसकता और क्लैब्यता जैसे सिम्टम आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है शुक्रवान बनाना है। पहले के जमाने में भारत के जितने लोग थे वो बहुत ओजस्वी होते थे, बहुत विद्वान होते थे, और अगर योद्धा भी देखेंगे तो योद्धा भी होते थे तो बहुत शूरवान होते थे। इस तरह का हमें बनाना, इस तरह का संतान उत्पन्न करना, इसी को ये वाजीकरण चिकित्सा करके हम लोग उसको अच्छा कर सकते हैं। और उसमें और बोल रहे हैं कि जिसके सेवन से वाजीकरण औषधियाँ वो होती हैं कि जिसके सेवन करने से पुरुष जो है अप्रतिहत वेग से स्त्रियों के साथ अश्व की तरह मैथुन करने में समर्थ हो जाए। जिस तरह से जो घोड़ा होता है वह कंटिन्यू बहुत फोर्सफुली मतलब मैथुन कर्म कर सकता है उस तरह का, और स्त्रियों को अति अधिक प्रिय हो जाता है। पहले के जमाने में क्या होता था कि एक राजा की बहुत सारी स्त्रियां होती थी तो हर स्त्री को उसको खुश रखना है, मतलब उसको सेटिस्फाई करना है, ऑर्गेजम आना चाहिए, तो वह जो शुक्र धातु है वह बहुत अच्छा रहेगा तो भी उसका शरीर में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो यह जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो आयुर्वेदिक दवाइयां देके हम लोग अच्छा कर सकते हैं।
और इसके प्रयोग से रस रक्तादि धातुओं का उपचय भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद में और वृद्धावस्था आने पर क्या होता है कि व्यक्ति का शुक्र का क्षय नहीं होता है, क्योंकि तो हम लोगों को पता है कि बाल्यावस्था होती है, फिर युवावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है। तो वृद्धावस्था जब रहती है तब ना शुक्र का क्षय होने लगता है, धातुएं क्षीण होने लगती है। तो वृद्धावस्था में भी उसको टिकाए रखना, जितना शुक्र रहेगा उतना क्या होगा कि शरीर में ताकत रहती है। शुक्र जो रहता है वो रीजनरेशन करता है शरीर में, तो इसलिए शुक्र का वृद्धि अच्छे से और वो मेंटेन रहे, इसके लिए जो दवाइयाँ दी जाती है उसको वाजीकरण बोलते हैं। और उससे क्या होता है कि संतान परंपरा अच्छी बनी रहती है, और जो प्रकृति का नियम है रिप्रोडक्शन, उसको अच्छे तरह से बहुत अच्छा करने के लिए ही वाजीकरण दवाइयाँ खिलाई जाती हैं। उसके बाद में ऐसा बोला जाता है कि अत्यधिक शाखा वाला जो वृक्ष होता है, अगर किसी गांव में पहले के जमाने में गांव में चौपाल में बहुत बड़ा वृक्ष को बहुत पूजनीय माना जाता था, तो वो वट वृक्ष या पीपल का वृक्ष को बहुत ज्यादा पूजनीय, भगवान के समान मान के उनकी पूजा की जाती थी, क्योंकि उसके वृक्ष बहुत थे। या फिर जो वृक्ष हैं जिसमें फल बहुत लगे हैं, जैसे मैंगो का ट्री है उसमें बहुत ज्यादा फल लगे हैं तो उसको सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता था। उसी तरह से जिस इंसान को बहुत ज्यादा प्रजा है, मतलब बहुत ज्यादा संतान है, बहुत सारे बच्चे हैं, उसको सबसे वीर्यवान माना जाता था और बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता था। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल अगर हम इतना संतान उत्पन्न करेंगे तो फिर आजकल की महंगाई, आजकल का लाइफस्टाइल, 135 करोड़ तो भारतीय अभी हो गए, और अगर करेंगे तो फिर ये हो जाएगा, पॉपुलेशन बॉम्ब की तरह हो जाएगा और फिर सबको फिर तकलीफ होगी। आज के जमाने में उतना नहीं है, लेकिन जो भी संतान हो रही है वो एकदम स्ट्रांग रहे, उसकी बुद्धि अच्छी रहे, उसका शरीर अच्छा रहे, रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी रहे। और हम लोग अपने प्रैक्टिस में भी क्या करते हैं कि हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम लोग वृक्ष दवाइयाँ देते हैं। तो वृक्ष दवाइयों में हम लोग क्या देते हैं, मैं कॉमन फॉर्मूला बताता हूँ, तो अश्वगंधा देते हैं, मुसली देते हैं, कपी कच्छू देते हैं, शतावरी देते हैं, शुंठी देते हैं और गोक्षुर देते हैं, या ना वृक्ष दवाइयां हैं। और अगर उसका शुक्र का क्षय है बहुत ज्यादा तो हम लोग पंचकर्म करा के शरीर को शुद्धि करा के फिर कामिनी विद्रावण रस, शुक्र वल्लभ रस, फिर कामाग्नि संदीपन रस, स्वर्ण मकर ध्वज, ऐसी दवाइयां देते हैं, शुक्र मातृका वटी, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जिसको देने, वंग भस्म, इसको देने से क्या होता है कि शुक्र धातु बहुत अच्छा बनता है। तो जो स्पर्म मोटिलिटी है या स्पर्म काउंट कम हो गया है, एजोस्पर्मिया है, ऑलिगोस्पर्मिया है, जिससे संतान नहीं हो रही है, तो वह बहुत अच्छा होता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि इंदिरा आईवीएफ सेंटर इतने सारे खुल गए, तो वहां पे ना मेल इनफर्टिलिटी इतना ज्यादा है और फीमेल इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा है। उसका कारण क्या है कि आजकल ना लोग ना शुक्र को धारण नहीं करते हैं, वह बहुत ज्यादा शुक्र का क्षय हो रहा है। तो वह सबसे बचाने के लिए ही वाजीकरण का यहाँ पे ऋषि मुनि लोगों ने लिखा है कि मतलब संतान परंपरा अच्छी बनी रहे। इसके बाद में ऐसा बता रहे हैं कि वाजीकरण औषधि जो है वो संतानोत्पत्ति का मूल है, जिसके द्वारा सेवन करने से पुरुष इस लोक में और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है उसको, क्योंकि इस संसार में तो वो इतना अच्छा कर्म करेगा तो उसके संतान भी अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, और फिर जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो जो संतान है जितना अच्छा काम करेंगे, यश कीर्ति और अच्छे कर्म धर्म कर्म करेंगे उतना उसका नाम होगा, तो परलोक में भी सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अगर दादाजी ने नाना जी ने कोई पाप किया तो उसका फल जो है वह संतान को भोगना पड़ता है। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ तो आप लोगों को समझ आएगा। एक बार क्या हुआ कि मेरे पास दो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट आए, तो वो लोग का एज था 40 ईयर्स, 40 और 42 ईयर्स के दो पेशेंट आए जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया था। तो उसमें मैंने उनका पूरा चेक किया, रिपोर्ट्स वगैरह देखा, तो ऐसा पता चला कि मसल्स जो हैं वह सारे फैट्स में कन्वर्ट हो गए, तो वो चल ही नहीं पा रहे हैं। वो पेशेंट ऐसे बैठे बैठे रहते थे, 2006 में आए थे वो लोग। तो फिर मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया बहुत सारा, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, और अपने बड़े बड़े गुरु लोगों से भी पूछा कि मैं क्या ट्रीटमेंट दूँ। उसमें उन्होंने कुछ कुछ बताया कि कुछ लेप देना है, बस्ती देना है, सब कुछ किया, लेकिन अगर मसल्स जो हैं वो एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट हो गए, मतलब पूरा फैट्स में कन्वर्ट हो गए, तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते, वह असाध्य रोगी है। और वो पेशेंट ना कभी मतलब मरते भी नहीं है और तड़प तड़प के रहना पड़ता है। तो उनको क्या हो गया था कि पूरा पैर के मसल्स, हाथ के मसल्स, पूरा बॉडी के मसल्स सब फैट्स में कन्वर्ट हो गए। तो अपना जो नित्य कर्म है, मलमूत्र का त्याग करना, स्नान करना, ये सब भी उनका बंद हो गया था। तो मैंने उनका हिस्ट्री लिया ऐसे बात करते करते, तो मुझे ऐसे पता चला, उन्होंने खुद बताया
कि हम लोग पहले जब स्कूल में आते थे, केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन के पास है, तो वो बताते थे कि हम लोग साइकिलिंग करते थे, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में ऐसा होने लगा कि हमारे मतलब जो मूवमेंट है वो बहुत मुश्किल होने लगा, और हम लोग ना साइकिलिंग भी नहीं कर पाते थे, चल भी नहीं पाते थे, फिर हमें बैठे रहना पड़ता था। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्यों हो गया अचानक, तो उन्होंने असली बात बता दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, हमारे जो दादाजी थे वो मतलब वो पंडित जी थे, तो वो क्या करते थे कि सब लोगों से पैसा लेते थे, ऐसे दान दक्षिणा लेते थे कि मैं काली की पूजा करूँगा, दुर्गा जी की पूजा करूँगा, नवग्रह की पूजा करूँगा, ऐसे सब लोगों से दान ले लेंगे एडवांस, और वह पैसे से जुआ खेलेंगे, शराब पियेंगे और गलत गलत काम करते थे। तो भगवान जो है वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या कोई भी हो, उसको ऐसे माफ थोड़ा ना करेंगे। अगर आप किसी का भरोसा तोड़ रहे हैं और किसने किस मजबूरी से पैसा दिया है, तो उसका पाप तो भोगना ही पड़ेगा। तो वो बोल रहे थे कि ऐसा बहुत सारे लोगों ने बद्दुआ दिया हमारे दादाजी को, क्योंकि उन्होंने करप्शन किया पैसा लेके, और वो पूजा वगैरह नहीं किया, शुद्धि से नहीं रहे, तो उसके वजह से उनकी मदर को कैंसर होके वो मर गई। उसके बाद में उनकी बहन की शादी नहीं हो रही है क्योंकि अलग तरह का रिमेटाइड अर्थराइटिस हो गया, मतलब वो ठीक ही नहीं हो रहा था, उसमें कुछ अजीब ही तरह का कुछ हो गया था, और ये दोनों भाई को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और पिताजी को भी कोई बीमारी, मतलब इतना सारा कॉम्प्लिकेशन हो गया और पूरा खानदान उनका बर्बाद हो गया। तो यही चीज है कि अगर हम लोग अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे संतान को उसका पुण्य मिलता है, उनके मतलब क्या होता है कि पुण्य कर्म का फल हमारे पूरे परंपरा मतलब पूरी कुल को मिलता है। अगर हम लोग अच्छा कर्म करेंगे तो हमको तो मिलेगा ही, लेकिन हमारे संतान, उनके मतलब बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, ऐसे लोग को मिलता है। इसलिए पुण्य कर्म ही करना चाहिए, जितना हो सके अपना अच्छा, अच्छे विचार रखने चाहिए, मन वचन कर्म से अच्छा सोचना चाहिए सबके लिए। अगर हम बुरा सोचेंगे तो उसका भी फल मिलता है। ये प्रकृति जो है ना वो किसी को नहीं छोड़ती है, सबको जैसा सोच रहेगा, जैसा कर्म रहेगा, वैसा उसको फल देती है। तो यहाँ पर वाजीकरण का है कि जितना धर्म का काम होगा तो इस लोक में सुख की प्राप्ति होगी, परलोक में भी सुख की प्राप्ति होगी। और वाजीकरण दवाइयों के सेवन से क्या होता है कि शुक्र धातु अच्छा होता है, अच्छा फिर विचार आता है, अच्छा कर्म करते हैं तो इससे यश मिलता है, मतलब बहुत फेम मिलता है, फिर श्रेय मिलता है, मतलब फॉर्च्यून अच्छा मिलता है, किस्मत अच्छी हो जाती है, उसके बाद में बल मिलता है, पुष्टि मिलती है, और उत्तम धातु की शरीर में जब निर्मिति होती है, रसायन का मतलब है कि रस रक्त धातु, ये सारे धातु, लेकिन यह जो वाजीकरण दवाइयां हैं वह कुछ कुछ दवाइयां रसायन द्रव्य है, वह वाजीकरण भी, और वाजीकरण वाली दवाइयां रसायन भी है। तो इससे क्या होता है कि उत्तम जो उत्कृष्ट शुक्र धातु बनता है, और शुक्र धातु अच्छा बनेगा तो शरीर में ओज बनेगा, ओज बनेगा तो इंसान पराक्रमी होगा। आप लोग देखिए, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी के चेहरे पे देखिए कितना ओज है, मतलब उन्होंने पूरा ब्रह्मचर्य को इतना धारण किया है, और वो नियम से सब मतलब उठना और सुबह का काम वगैरह इतना अच्छा से परफेक्टली करते हैं, तो वो किसी से डरते नहीं है, निडर है और एकदम निर्भीक है। तो मतलब शुक्र धातु जितना अच्छा बनेगा उतना इंसान मजबूत होता है, अपने इरादों में, अपने डिसीजन में, अपना सोच में, उतना वो पक्का होता है, उनको हिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए ना वाजीकरण दवाइयां हैं, उसका यूज करके हम लोग शुक्र धातु अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद में ऐसा बता रहे हैं कि स्वस्थ ओर्जस्करम त्वे दत्त विदम प्रोक्तम औषधम यद व्याधि निर्घात करम वक्षित चिकित्सिते चिकित्सार्थार्थम एतावान विकारण यत औषधम रसायन विदेशाग्रे वाजीकरण में वचा। इसका मतलब है कि स्वस्थ पुरुष के जो ऊर्जस्कर भाव को बढ़ाने वाले दो प्रकार की औषधियों का विवेचन यहाँ किया गया है। व्याधि नाशक औषधियां जो है उसका चिकित्सा प्रकरण में बताएंगे, जब ज्वर चिकित्सा बताएंगे, रक्तपित्त बताएंगे, गुल्म बताएंगे, उसमें हम लोग व्याधि नाशन के लिए जो भी है वह बताएंगे। और यहाँ सबसे पहले रसायन विधि, पहला जो चार पाद है उसमें रसायन विधि बता रहे हैं, और उसके बाद में वाजीकरण किस तरह से अच्छे संतान की प्राप्ति हो, तो कौन कौन से योग है उसका विधि पूर्वक कैसे सेवन किया जाए वह सब बताया जाएगा। इसके बाद में अभेषज, 15वां नंबर का जो श्लोक है उसमें अभेषज है, भेषज का मतलब है कि जो मेडिसिन शरीर के लिए अच्छा करती है, और अभेषज है उसको भी जानना जरूरी है कि जो शरीर को नुकसान देती है, जैसे आर्सेनिक है या फिर विष द्रव्य है, उसका अगर मात्रा से ज्यादा सेवन कर लिया, या फिर मिथ्याहार विहार जब करते हैं तो मतलब उल्टा पुल्टा खाते हैं, अभिषंधी पदार्थ खाते हैं, विरुद्ध अन्न खाते हैं, तो ये क्या है, अभेषज है, वह शरीर के क्रियाओं को बाधा पहुंचाता है और बहुत ज्यादा नुकसान देता है।
तो उसको जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो अभेषज की परिभाषा क्या दी है चरक संहिता में, यह बताया है कि अभेषजम इति गेयम विपरीतम यथोषदात तत्सेव्यम निक्षेव्यम तु प्रवक्ष्यामि यथोषदम। मतलब अभेषज की परिभाषा ऐसा बताया है कि जो द्रव्य या जो कर्म होता है जो औषधि के विपरीत होता है, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अति व्यवय करना, अति संक्रमण करना, यह कर्म भी है वह बहुत ज्यादा शरीर को नुकसान देता है तो यह अभेषज होता है। या फिर विरुद्ध धर्म का सेवन करना, जैसे दूध और मछली एक साथ खाना, दूध और नमक एक साथ खाना, दूध और अल्कोहल साथ में लेना, दूध और नॉनवेज साथ में लेना, यह सारा अभेषज होता है, यह शरीर में जाके नुकसान देता है। या बासी खाना खाना, मतलब रात का 3 4 दिन का बचा हुआ खाना खा लिया तो वो विषवत होता है, तो उस गर्विष जैसा होता है, तो वह ना शरीर को नुकसान देता है। और हम सबको पता है कि यह शरीर को नुकसान देने वाली चीजें हैं, इसका सेवन नहीं करना चाहिए, तब भी लोग सेवन करते हैं और उससे रोगी होते हैं। कल मेरे पास एक पेशेंट का मैसेज आ रहा था कि डॉक्टर साहब मैंने पिछले साल तो वमन किया था और फिर मुझे ये क्यों हो रहा है, अम्लपित्त का तकलीफ क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा कि आपका खाना पीना गड़बड़ है, तो बोले नहीं, मैं कुछ ऐसे खाना पीना गड़बड़ नहीं करता हूँ, मैं तो बहुत सही शुद्ध आदमी हूँ। मैंने कहा ऐसा नहीं है, आप खुद रिसर्च करिए कि आपके खाने पीने में क्या गड़बड़ हो रही है और जो शरीर के लिए असात्म्य है। तो वो मानने को तैयार ही नहीं थे, फिर वो आए मेरे क्लिनिक में, तो मैंने उनका पूरा ये लिया, तो मुझे ऐसे पता चला कि वो यहाँ पर क्या है कि एक लहसुन और अदरक का ठेचा खाते हैं लोग, मतलब उसका चटनी ऐसे करके बहुत ज्यादा अदरक और बहुत ज्यादा लहसुन इसको मिक्स करके और बाजरी की रोटी के साथ वो खाते हैं वो पेशेंट, तो उसकी वजह से उनको इतना हाइपर एसिडिटी हो रहा है। और ये शरद ऋतु अभी जा रहा है, मतलब हमारे विक्रम संवत के हिसाब से पूर्णिमा जब आ जाएगा तो हेमंत ऋतु पूरा शुरू हो जाएगा, तो अभी वो शरद ऋतु जा रहा है, ऋतु संधि में इतना ज्यादा मतलब तीखा खाने की क्या जरूरत है। और लहसुन जो होता है वो उष्ण विरियात्मक होता है, तो इतना ज्यादा लहसुन, मतलब जिस तरह से सब्जी खाते हैं उस तरह से अदरक और लहसुन का वो चटनी खाते हैं इतना ज्यादा बाजरी की रोटी के साथ, तो उनको मुंह में छाले भी आ रहे हैं, हाइपर एसिडिटी हो रही है, लेकिन जीभ का जो है उस पर कंट्रोल नहीं है उनका, इतना ज्यादा खाने की वजह से हाइपर एसिडिटी हो रही है। और वो बोल रहे हैं कि मुझे परमानेंट कब ठीक होगा, तो मित्याहार विहार करेंगे तो होगा ही ना। तो यह चीज जो है अति मात्रा में करना, यह भी अभेषज है, शरीर की क्रियाओं को वो बाधा पहुंचा रहे हैं। और उसका प्रयोग जो है पुरुष को नहीं करना चाहिए जो शरीर की क्रियाओं को बाधा पहुंचाता है। शरीर जो है एक मशीन की तरह है, मतलब इसमें दोष धातु मला मलम ही शरीरम ऐसा बताए, अगर हमने उसको अच्छे से रखा, मतलब दिनचर्या का पालन किया, दिन में सोए नहीं, रात्रि को जागरण नहीं किए, ब्राह्म मुहूर्त में उठे, शरीर को हम जितना सुरक्षा देंगे अपनी रक्षा करेंगे उतना शरीर अच्छा रहता है। और यही 63वें अध्याय में बताया है कि प्राणायक्षणा करना बहुत जरूरी है, सब कुछ सर्वम परित्यज्य शरीर मनोपालयेत, राजयक्ष्मा में शोष अध्याय में जो बताया है कि सर्वम परित्यज्य, मतलब सब कुछ छोड़ दीजिए, पहले शरीर की रक्षा करिए, शरीर है तो सब कुछ है, शरीर है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ है। यह शरीर जो रहता है यह 84 लाख योनि के बाद हमें मिलता है मनुष्य शरीर, और जो मनुष्य है सबसे इंटेलिजेंट है, इसीलिए हमें क्या करना है अपने शरीर की रक्षा करना है, शरीर का सौंदर्य अच्छा रहे, तो इसीलिए हमें सब कुछ छोड़ देना है, धन पैसा जो भी चीज है वो सब छोड़ के पहले शरीर का रक्षा करना है। फिर इसके बाद में रसायन विधि बता रहे हैं, तो रसायन विधि जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है कुटी प्रावेशिक रसायन विधि, दूसरा होता है वातातपिक रसायन विधि। तो कुटी प्रावेशिक रसायन विधि होता है उसमें क्या बोलते हैं कि पहले ना ये करते हैं कि कुटिया बनाते हैं, उसमें 3 कमरे होते हैं और उसमें बहुत तेज हवा ना आ रही हो, बहुत ज्यादा धूल ये सब ना आ रहा हो, पॉल्यूशन ना आ रहा हो, और फिर वहाँ और ऐसे जगह पे बनाया जाए जहाँ पे बहुत अच्छी भूमि हो, पेड़ पौधे लगे हों, और मतलब बहुत अच्छा, वो मैं आगे बता रहा हूँ जो रसायन विधि है उसके बारे में। एक कथा है कि च्यवन प्राशा वाले कैसे बना था, तो एक बार क्या हुआ, ऐसा लिखा हुआ है उपनिषदों में, लिखा हुआ है ऐतरेय उपनिषद में लिखा है कि एक बार क्या हुआ कि ऐतरेय उपनिषद में बताया है कि एक बार च्यवन ऋषि थे, वह तपस्या कर रहे थे और वो भी गया में, बिहार में गया नाम का एक जगह है, वहां पे आश्रम है च्यवन ऋषि का, तो वह तपस्या कर रहे थे और उनपे क्या हुआ कि मिट्टी ऐसे गिर गिर के ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी का टीला बन गया है, तो वो तपस्या कर रहे थे, तो एक राजा थे उस जगह के, उनकी बेटी का नाम सुरुचि था, तो वह ना 12 साल की लड़की थी और वो अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी राजकुमारी, तो वो खेलते खेलते जाती है तो देखती है कि एक मिट्टी का टीला है, वहां पर 2 मणि की तरह कुछ तो चमक रहा है, तो उसको बहुत एक्साइटमेंट होता है कि वो क्या चीज है जो इतना अच्छा चमक रहा है।
तो मतलब कोई मणि है कि क्या है, तो वह क्या करती है अपने फ्रेंड से मंगाती है, लोहे की शलाका मंगाती है, और वह क्या करती है कि उसको खोद खोद के वह जो मणि है उसको निकालने का कोशिश करती है। तो इतना जोर जोर से करती है कि खून आने लगता है, और वो ऋषि होते हैं च्यवन ऋषि जो आंखें खोल के तपस्या कर रहे होते हैं, तो वह करते हैं और बोलते हैं त्राही माँ त्राही माँ, मेरे आँख फोड़ दिया इसने, आँख फोड़ दिया। तो और वो रोने लगते हैं बहुत, फिर वो इतना दुख में होते हैं इतना पीड़ा में होते हैं कि उनकी आंखें फूट गई, तो वो बोलते हैं कि मैं श्राप दे दूंगा इस लड़की को और ये पूरे राज्य को श्राप दे दूंगा कि यहाँ बारिश नहीं होगी। और पहले के ऋषि मुनि लोगों में इतना तपस्या का शक्ति होता था कि वो श्राप दे देते दे, वो लग जाता था क्योंकि उनकी तप का बल था। तो वहां के राजा आते हैं, वो बोलते हैं कि आप कृपया क्षमा कर दीजिए, ये तो छोटी बच्ची है 12 साल की बेटी है हमारी, और इसको पता नहीं था, कुछ चमक रहा था इसने, इसलिए मणि निकालने की कोशिश की इसने। तो वो बोले नहीं मैं श्राप दूंगा। तो फिर राजा जो थे उनके जो मित्र थे इंद्र देवता थे, तो वह उनको बुलाते हैं, तो इंद्र देवता बोलते हैं कि आप तो मुनि हैं आप कृपया क्षमा कर दीजिए। तो च्यवन ऋषि बोलते हैं कि मुझे ना एक ही शर्त पे माफ करूंगा कि मुझे ये जो लड़की जिसने मुझे आंख फोड़ा है राजकुमारी, इसके साथ मुझे विवाह करना है। तो सारे लोग देखने लगते हैं कि आप 100 साल के बुढ़े हैं और ऋषि हैं, आपका शरीर पूरा कमजोर हो गया है, चल भी नहीं पा रहे हैं और कांप रहे हैं इतना मतलब जीर्णावस्था में, और ये लड़की 12 साल की राजकुमारी है हमारी, इतनी छोटी बच्ची है, आपका विवाह कैसे कर दिया जाए। तो वो बोले नहीं मैं श्राप दे दूंगा। तो इंद्र देवता एक रास्ता बताते हैं, तो इंद्र देवता बोलते हैं अश्विनी कुमार जो ट्विंस भाई हैं जुड़वा भाई, उनको बुलाया जाता है स्वर्ग से जो देवताओं के वैद्य होते हैं, तो उनको लेके जाते हैं और कुटी प्रावेशिक रसायन विधि से उनको वहां रखा जाता है 1 साल 2 साल जितना भी टाइम लेके, और उनको च्यवनप्राश खिलाया जाता है, उनके लिए स्पेशल च्यवनप्राश बनाया जाता है, और वह जब खाते हैं तो वह उनका शरीर का पूरा शरीर का कायाकल्प हो जाता है और वह एकदम तरुण इंसान बन जाते हैं, जैसे 15 साल का कोई नया तरुण इंसान है मतलब बच्चा एकदम सुकुमार लड़का, उस तरह के बन जाते हैं। तो इस फिर उनका विवाह हो जाता है, तो इस उसी टाइम से मतलब यह सतयुग की बात है, तो उसी टाइम से च्यवनप्राश अवलेह का हमारे ये आ गया, परंपरा आ गया भारतीय संस्कृति में। तो चरक संहिता में हम लोग देखेंगे कि जो च्यवनप्राश विधि है बनाने की विधि है उसमें तिल तेल का बहुत ज्यादा यूज किया है, फिर मधु का यूज किया है, और उसका जो प्रोसेस है आजकल जो बनता है मार्केट में वह सब बेकार है। आजकल तो इतना बेकार च्यवनप्राश बनता है, एक बार एक कंपनी है डाबर कंपनी, मतलब मैं यहाँ ओपनली ऐसा नहीं बताना चाहता, लेकिन डाबर कंपनी का च्यवनप्राश में पानी निकल रहा था बहुत ज्यादा, फिर बाद में एनालिसिस किया गया तो पता चला कि उसमें आंवला डाला ही नहीं था, उसमें लौकी जो रहता है दुधी भोपला उसका वो पूरा उससे बनाया गया था, उसको बॉईल करके और बनाया गया था, और इसीलिए वो पानी छोड़ रहा था, तो फिर उनपे केस हुआ। तो ऐसा च्यवनप्राश में आजकल इतना आंवला मिलता नहीं है और डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग खाते हैं, तो इसलिए ना कुछ भी डाल के बना के च्यवनप्राश बनाया जा रहा है, और इतना ज्यादा चीनी डाला जाता है इसमें। जो विधि बताया है आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो जो ओरिजिनल च्यवनप्राश है या जो अवलेह वगैरह है ब्राह्म रसायन वगैरह, उसमें तिल तेल बहुत ज्यादा है, और उसके बाद घी शुद्ध गाय का घी डाला है, और उसके बाद में मधु डाला है, तो इससे और चीनी तो बहुत कम डाला है, तो लेकिन अगर उस तरह का बनाएंगे तो वो इतना टेस्टी नहीं लगेगा, मीठा नहीं लगेगा, और लेकिन क्या है कि वो रसायन गुण वाला रहेगा, वो अगर एक एक बार भी 1 किलो भी खाया जाए ना तो बहुत ज्यादा शरीर में नया नया जो चीज है नए धातु बन जाते हैं, लेकिन आजकल कोई बनाता नहीं है क्योंकि लोग खाएंगे नहीं, पब्लिक खाएगी नहीं, इसलिए बना नहीं जाता, तो इसलिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। आप लोग डाबर का या बैद्यनाथ का या झंडू का 100 किलो भी च्यवनप्राश खाइए, लेकिन रसायन वसायन कुछ नहीं मिलता, वो बस हलवा टाइप है, मतलब खाने में टेस्टी लगता है। अभी तो च्यवनप्राश का कैंडी आ गया है, ग्रैनुल्स आ गए हैं, फिर शुगर फ्री च्यवनप्राश, ऐसे बहुत सारे ऐसे मार्केट में आ रहे हैं, मार्केटिंग के लिए ठीक है वो, और मतलब बेचने के लिए ठीक है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। अब हम लोग वैद्य लोग हैं ना, हम लोग को क्या करना है कि हमें आयुर्वेद, आयुर्वेद तो शाश्वत नित्य है, लेकिन हम लोग को बहुत स्ट्रांग बनना है, हम लोग को ना इतना इंटेलिजेंट बनना है, और हम लोग को क्या करना है आगे दवाइयां खुद बनानी है। हम लोग अगर ऐसा करेंगे ना तो इससे क्या होगा कि हम लोग समाज को अच्छा चीज दे सकते हैं, और अभी क्या है कि आयुर्वेद के लिए स्वर्णिम युग आ रहा है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि भारत सरकार ने आयुर्वेद के लिए क्या क्या इतना अच्छा काम किया है, एक तो ऑन पेपर टीचर्स थे जितने आयुर्वेद कॉलेज के, सबको डिबार कर दिया गया,
मोदी जी, मोदी सरकार ने सबको डिबार कर दिया। अब ऑन पेपर टीचर कोई नहीं रख सकता, जो है तो रेगुलर टीचर रहेंगे। एक तो एजुकेशन सिस्टम ये इतना अच्छा कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एमएस जो कर रहे हैं आयुर्वेद वाले, उनके लिए मॉडर्न सर्जरी करने का अलाउ कर दिया भारत सरकार ने, तो ये कितना अच्छा हो रहा है। उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे वैकेंसीज निकालने वाले हैं। फिर मोदी जी ने जो ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, वह दिल्ली में खोला, वहां पे इतना अच्छा ये दिया जा रहा है, मतलब एजुकेशन दिया जा रहा है। उसके बाद में जयपुर में और यहाँ पे जोधपुर में, और अभी मोदी जी ने आयुर्वेद दिवस पे दो इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन किया। तो आयुर्वेद का बहुत अच्छा युग आ रहा है। उसके लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें आयुर्वेद को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना है, और जितना शुद्ध हम आयुर्वेद दे सकते हैं समाज को, हमें एडल्ट्रेटेड चीज नहीं देनी है, ऐसी दवाइयां नहीं देनी है जिससे लोगों को कुछ फायदा ही नहीं हो। अगर कुछ उल्टा पुल्टा दवाई देंगे और पैसा कमाने के पीछे पड़ेंगे, तो फिर उससे क्या होता है कि आयुर्वेद के बारे में लोग गलत सोचते हैं। हम लोग का डायग्नोसिस अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद में चिकित्सा अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद में मेडिसिन जो दिया जा रहा है वह अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। इसके लिए हमें कोशिश करना है, और जो मेडिसिनल प्लांट्स भी आ रहे हैं उनका संरक्षण भी करना है हमें। तो यह सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो हम सब अगर मिल जाए और बहुत अच्छा काम करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। अब मैं कुटी रसायन विधि जो है उसके बारे में श्लोक बताता हूँ, और उसके बाद में उसका भावार्थ बताता हूँ। तो ऐसा बताया जाता है कि रसायन विधि कैसा है। तो रसायनानां द्विविधं प्रयोग मृष्यो विदुः, कुटी प्रावेशिकं चैव वातातपिकमेव च। कुटी प्रावेशिक स्यादो विधि समुपदेक्ष्यते निप्रव्यद्विजातीनां साधूनां पुण्यकर्मणां निर्वासी निर्भयशस्ते प्रायोपकरणे पुरे दिशि पूर्वोत्तरस्यां च शुभमो कार्यत कुटीं विस्तारोच्छेद संपन्नां त्रिगर्भं सूक्ष्मलोचनां घनभित्ति मृतु सुखां सुस्पष्टं मनसः प्रियां शब्दादीनां शस्तानां गम्यं स्त्री विवर्जितां इष्टोपकरणोपेतां सद्वैद्योषद्विजां अतोद्गयने शुक्ले तिथि नक्षत्र पूजिते मूर्तकरणोपेते प्रशस्ति कृतवापनः द्विति स्मृति बलं कृत्वा शब्दधाना समाहितः विधूय मानसान दोषान मैत्रीं भूतेषु चिन्तयन् देवताः पूजयित्वा अग्रे जातिश्च प्रदक्षिणं देव वो ब्राह्मणं कृत्वा ततस्तं प्रविशेत कुटीं तस्यां संशोधने शुद्धा सुखी जाता बला पुनः रसायनम प्रयुंजित तत्प्रवक्ष्यामि शोधनम्। आप लोग को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। सोनल जी का क्वेश्चन है कि जैन लोगों के लिए विदाउट हनी एंड डायबिटीज पर्सन के लिए शुगर फ्री च्यवनप्राश कैसा सिद्ध करें, इस पर लेक्चर लीजिए। जी सोनल जी, मैं बताऊंगा। असली में क्या है ना कि मैंने एमए संस्कृत किया है, संस्कृत में एमए किया है, तो मैंने वेदांत दर्शन बहुत अच्छा डीप में पढ़ा है। तो मैंने जितने भी अपने वेद है ना, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्वेद है, यजुर्वेद है, उसका बहुत ज्यादा डीप स्टडी किया है। तो उसमें मुझे ऐसे पता चला कि जितनी अपनी वनस्पतियां हैं वह ना जागृत अवस्था में, मतलब उसमें सोम देवता और अग्नि देवता और वायु देवता, इन सब का निवास है, मतलब जो हम लोग, और उसमें स्तुतियां की गई हैं बहुत सारे देवताओं की, कि और जैसे सूर्य भगवान है उनको सात घोड़ों का देवता बताया जाता है, और वो सात सात घोड़ों के रथ से आ रहे हैं, उनकी स्तुति की गई है कि हे देवता सूर्य भगवान आप आइए संसार में आइए और सभी को ऊर्जा प्रदान करिए। मतलब हर चीज में भगवान की कल्पना की गई है कि कुछ ना कुछ कॉस्मिक पावर है जो औषधियों में आई है, इस संसार को चला रही है। इस्लाम में भी बताया कि जो अल्लाह है उनके उनके मर्जी से ये पूरा संसार में नदियां बह रही हैं, हवा चल रहा है, कुछ ना कुछ पावर है। तो इस्लाम धर्म एक देवता को मानता है, हम लोग बहु देवता मानते हैं, मतलब कण कण में भगवान मानते हैं। तो हम लोग का कैसा है, हमारी सनातन परंपरा की औषधियां हैं उसमें भी देवताओं का निवास है। तो जब हम जैसे कोई मेडिसिन तोड़ने के लिए जा रहे हैं, वनस्पतियां तोड़ने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले बताया है कि वनस्पतियों को ना पहले प्रणाम करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवता आप आपका जितना सत्व है, मतलब जितना पोटेंसी है, वह सारे हमारे जो भी हम पत्ते तोड़ रहे हैं यह सब उस सब में आ जाइए, ताकि हम यह रोगियों को दें, तो हमारे रोगियों में उत्तम शक्ति प्रदान हो, ये सब इस तरह से प्रेयर करने को बोला है। और उसके साथ में ये बताया है कि उत्तम तिथि नक्षत्र मुहूर्त इसके टाइम पे ही, मतलब मंगलाचरण करके स्वस्ति वाचन करने के लिए बताया है। तो स्वस्ति वाचन आप लोगों को मैं सिखाता हूँ,
स्वस्ति वचन करके ही आप लोग अपना जो है मेडिसिन देना। या और मैं आप लोग को एक और चीज बताऊंगा, मैं आप लोग को ना रोज हवन करना सिखाऊंगा कि हम लोग धन्वंतर या छोटा फॉर्म में किस तरह से रोज करना चाहिए, या अग्निहोत्र करके अगर करेंगे क्लिनिक खोलेंगे तो उससे ना बहुत ज्यादा फायदा होता है। मतलब हमारे मेडिसिन में इतनी ताकत आ जाती है कि किसी भी पेशेंट को हम लोग देते हैं। ये मेरे गुरुजी लोगों ने सिखाया है, हमारे जो गुरुजी हैं वैद्य समीर जमदग्नि सर, उन्होंने सिखाया है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे गुरुजी की जो दवाइयां हैं वो अगर पेशेंट के शरीर में जाती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आप लोग को भी केवल ऐसे नहीं सोचना है कि हम लोग को त्रिफला चूर्ण देना है, हम उसे मटेरियल नहीं समझते हैं, हम उसको लिविंग चीज समझते हैं, मतलब उसमें जागृत अवस्था है। और एक और चीज हमारे गुरुजी बताते हैं कि जैसे मेडिसिन हम दे रहे हैं तो जिस भावना से दे रहे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अमृता गुडुची जो है अमृता है, तो ऐसा मन में सोच के दें कि हे भगवान, मन में ऐसे प्रेयर करें कि हम अमृता दे रहे हैं तो इसको मृत्यु से दूर हो, अकाल मृत्यु से दूर हो। तो जिस भावना से वैद्य देता है उस तरह से पेशेंट के शरीर में लगता है। जैसे ऐसे बोलते हैं पथ्या, हरितकी को पथ्या बोलते हैं, किसी को चक्षुष्या बोलते हैं। तो ऐसे वनस्पतियां जब देते हैं तो चक्षुष्या मन में ऐसे स्तुति करके देंगे तो आंखों में बहुत ताकत आती है। तो मतलब मन मन में एकदम पवित्र रहना चाहिए और हमें वो भावना देके देनी चाहिए, क्योंकि अग्नि देवता और सोम देवता का निवास है वनस्पतियों में। भले अगर चूर्ण फॉर्म में यूज कर रहे हैं, कल्क फॉर्म में यूज कर रहे हैं, क्वाथ फॉर्म में कर रहे हैं, तब भी उसमें जागृत अवस्था रहती है। तो अपने आयुर्वेद को, और दूसरा मैंने एक डॉक्टर प्रशांत सुरू सर हैं, उनका मैंने लेक्चर सुना था, वो पांचवैदिक चिकित्सा करते हैं पुणे में। तो उन्होंने ये बताया था कि वो जब मेडिसिन बना रहे थे तो एक बार क्या हुआ, मेडिसिन बनाते टाइम थोड़ा सा चूर्ण गिर गया नीचे, खलबत्ता में कर रहे थे, भावना दे रहे थे, थोड़ा चूर्ण गिर गया, तो उनके गुरुजी ने उनको इतना जोर से मारा कि गिव रेस्पेक्ट टू मेडिसिन, यह मेडिसिन जो है इसको रेस्पेक्ट दो, यह शरीर में जा रहा है और हमें थोड़ा थोड़ा भी कण की रक्षा करनी है। मतलब मेडिसिन को रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, अगर रेस्पेक्ट देंगे तभी वो हमको गुण देगी। और इसीलिए ना जितने भी वेद हैं अपने, उसमें वनस्पतियों का बहुत ज्यादा ऐसा बताया कि उनको प्रार्थना करनी चाहिए, और वनस्पतियों को तोड़ने के समय प्रार्थना करनी चाहिए, कुटी प्रावेशिक के टाइम पे भी हमें अच्छा मंगलाचरण वगैरह करके करना चाहिए। मैं आप लोगों को ना आगे आगे के लेक्चर्स में दैव व्यपाश्रय चिकित्सा जो आयुर्वेद में बताई वो अभी बताऊंगा, अग्निहोत्र भी बताऊंगा। सोनल जी का है कि ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूवमेंट होता है अग्निहोत्र यज्ञ से, यह आपका बहुत बड़ा सच है। कैंसर के पेशेंट जो रहते हैं ना, इतना अच्छा फायदा होता है। कैंसर के पेशेंट को आप हवन करके अगर मेडिसिन देते हैं, कैंसर के पेशेंट जो आते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि उनका आधिदैविक कोई कष्ट होता है, वो शरीर में भोग रहता है, उनको भोगना होता है। तो आप क्या करिए कि रोज हवन करने के लिए थोड़ा सा आम की लकड़ी ले लीजिए या चंदन की लकड़ी ले लीजिए और कपूर डाल के, और थोड़ा सा अग्नि की मतलब समिधा ले लीजिए, हवन सामग्री लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी लीजिए, और जो मेडिसिन आप दे रहे हैं वह अग्नि देवता को आप थोड़ा आहुति दीजिए, और फिर वो मेडिसिन अगर पेशेंट को देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और ऐसा बोला है अग्नि सूक्त जो है अपने ऋग्वेद में, उसमें ऐसा बताया है कि अग्नि देवता जो है ना वह एक मैसेंजर है, जो हम लोग आहुति देते हैं, मतलब जो भी हम हवन में जो आहुति दे रहे हैं उसको, जो भी हम लोग बोलते हैं कि मतलब इंद्राय नमः स्वाहा, फिर श्री गणेशाय नमः स्वाहा, तो जो आहुति दे रहे हैं वह गणेश भगवान इंद्र भगवान को ले जाने का काम अग्नि देवता करते हैं। और यह एक ना मतलब ये है कि देव व्यपाश्रय चिकित्सा, उसके लिए अगर हमने देव व्यपाश्रय चिकित्सा, सत्वावधि चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय के साथ में अगर किया तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ और अच्छी इफेक्टिव होती हैं। आप लोग ये करिए, मैं आप लोग को सब सिखाऊंगा, और मेरे उसमें कोई ऐसा जाति पाति या रिलीजन ये नहीं है, आप लोग करके देखिए बहुत अच्छा फायदा होगा। और सबको मैं सिखाना चाहता हूँ, सब लोग कर सकते हैं, जिन लोगों ने आयुर्वेद में एडमिशन ले लिया और ये इतने पवित्र शास्त्र को पढ़ रहे हैं वो सब द्विज हैं, मतलब उनका दूसरा जन्म हो गया, द्विज है और वो ब्राह्मण है। तो मेरे हिसाब से सब लोग विद्वान है, सब लोग ब्राह्मण है, हम लोग इतना अच्छा शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए सबको ये चीज आना जरूरी है। तो रसायन विधि के बारे में बता रहे हैं कि रसायन के दो टाइप होते हैं, एक होता है कुटी प्रावेशिक विधि और दूसरा होता है वातातपिक विधि। तो वातातपिक जो रहता है, कुटी प्रावेशिक होता है, इंडोर मैनेजमेंट होता है रसायन का, मतलब पेशेंट को लेके जाना है 1 साल या 3 साल तक, जैसे बिग बॉस का घर होता है, आप लोग कलर्स चैनल में देखते होंगे, तो उस तरह से क्या होता है कि बिग बॉस के घर में मोबाइल नहीं, ये नहीं, वो नहीं, लेकिन वहां झगड़े लड़ाई दिखाया जाता है।
यहाँ पे कुटी प्रवेशिक में स्त्री का वर्ज क्या है, मतलब शुक्र धातु को अच्छा रखना है, और हमें क्या करना है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान में ध्यान करके और फिर रसायन का सेवन करना है और फिर एकदम सात्विक खाना खाना है। तो उससे क्या होता है कि नए नए स्किन आते हैं, नए नए आंखों के सेल्स बनते हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स जो है वो अच्छे बनते हैं, किडनी के नेफ्रॉन्स है वो रीजनरेट होते हैं। ये चीज केवल आयुर्वेद ही बता सकता है कि रीजनरेट करते हैं। एलोपैथी साइंस बोलते हैं, इतना साइंस इतना उनका आगे बढ़ गया, लेकिन वो बोलते हैं कि एक बार मज्जा तंतु नर्व्स डैमेज हो गए तो डैमेज, डिजनरेटिव चेंजेस आ गए या डीमेलिनेशन हो गया तो डैमेज, उसका इलाज नहीं है। लेकिन आयुर्वेद है कि वनस्पतियों को इस तरह से रसायन विधि से सेवन करने से रीजनरेट होता है और नया चीज बनता है। रिजुविनेट होने के बाद दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है, नए ऑर्गन भी हम बना सकते हैं। अगर जैसे लिवर सेरोसिस है, लिवर के सेल्स पूरे डेड हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो हमको उसको नया बना सकते हैं। ये आयुर्वेद की ताकत है, हम लोग को अपनी ताकत समझनी पड़ेगी। इसके बाद में वात तपिक है, वो आउटडोर मैनेजमेंट है, मतलब रूटीन का काम करके भी हम लोग रसायन का सेवन करते हैं। जैसे ब्राह्म रसायन ले लिया, अभी आप लोग लेक्चर होने के बाद क्या कर सकते हैं कि 4 चम्मच ब्राह्म रसायन खा लीजिए और उसके बाद में दौड़ने जाइए। जितना दौड़ेंगे ना तो आप लोगों का ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा शरीर में, उतना ब्लड प्योरीफाई होगा। तो मतलब ये अपना रूटीन का काम करते हुए जो होता है उसको वात तपिक बोलते हैं। कुटी प्रावेशिक विधि के बारे में ऐसा बताया जाता है कि सर्वप्रथम कुटी प्रावेशिक विधि का ऐसे वर्णन किया जा रहा है कि ऐसा स्थान देखना है जहां पर राजा रहते हैं, मतलब आसपास किंग रहते हैं जो सबसे अच्छी जगह है, फिर वैद्य रहते हैं, चिकित्सक रहते हैं, फिर ब्राह्मण लोग रहते हैं, फिर साधु सज्जन लोग रहते हैं, और जो जगह है वो भय रहित है, वहां पर कोई डर नहीं है कि सांप बिच्छू आ जाएगा या बाहर के लोग जो है आक्रांता वो अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे, ऐसा जगह नहीं। जो एकदम अच्छा जगह है और सबसे बेस्ट जगह है, वहां पे सभी चिकित्सा के साधन सुलभ हो, मतलब। और उसके बाद में सिटी के पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में उत्तम भूमि पर एक कुटिया बनाना है, और ये ज्यादातर पर्वतों पे बनाया जाता था, मतलब हिमालय के जगह पे बनाया जाता था। और कुटी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पर्याप्त होनी चाहिए कि मतलब वो अच्छा अच्छा से एकदम मतलब प्लीजेंट होना चाहिए, ऐसी कुटी बनाना है। और कुटी जो है वो त्रिगर्भा होनी चाहिए, एक कमरा आगे रहना चाहिए, एक अंदर दूसरा कमरा रहना चाहिए और उससे लगा हुआ तीसरा कमरा होना चाहिए। 3 कमरों वाला एक कुटिया बनानी है और उसमें छोटे छोटे वेंटिलेटर झरोके होने चाहिए, और उसकी दीवार जो रहती है वो मोटी रहनी चाहिए, और सभी ऋतुओं में जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, वसंत ऋतु, सभी ऋतुओं में आरामदायक होनी चाहिए, मतलब पानी ना आए या बहुत ज्यादा गर्मी ना पड़े, इस तरह का कुटिया बनाना है। और उस कुटी में क्या करना है कि वह जो भी कार्य करना है, मतलब मल मूत्र त्याग करना है, उसका एक अलग से सेपरेट होना चाहिए, क्लीनिनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मतलब हाइजीनिक रहे वो पूरा। उसके बाद में मन में प्रिय रखने वाला, मतलब इतना प्लेजेंट होना चाहिए कि मन जो है वो एकदम वहां जाने के बाद मन एकदम शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और अच्छे विचार आए। और उसके बाद में वहां पे कोई गलत शब्द बोलने वाले लोग नहीं रहने चाहिए, ध्वनि प्रदूषण नहीं रहना चाहिए, शोरगुल नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद में क्या करना है कि कुटी में प्रवेश करना है, तो जब सूर्य उत्तरायण में चला जाता है और शुक्ल पक्ष की तिथि है, शुभ मुहूर्त पंचांग से देख के, शुभ मुहूर्त तिथि करण ये सब देख के, उस अवस्था में सिर का मुंडन करके और धृति स्मृति बल को धारण करके श्रद्धायुक्त तो होकर मानसिक दोष जो है रजतम, रज से क्या होता है कि क्रोध होता है, अहंकार होता है, यह सब को त्याग देना है। और तम से क्या होता है कि दीनता होती है, डिप्रेशन, विषाद और भय, ऐसा रहता है कि आगे फायदा होगा कि नहीं होगा, ये सब को निकाल देना है। और प्राणी मात्र का कल्याण का चिंतन करते हुए कि सबका मैं कल्याण करूंगा, मेरा भी कल्याण होगा और सबका कल्याण होगा, इस तरह का चिंतन करते हुए, फिर जो इष्ट देवता है, मतलब जो कुल की परंपरा में जो आपके इष्ट देवता है, अगर कोई देवी को मानता है तो देवी की पूजा करिए, अगर कोई कृष्ण भगवान को मानता है, मतलब जो भी इष्ट देवता है उनकी पूजा करने के बाद फिर ब्राह्मण का पूजा करना है, फिर भगवान की प्रदक्षिणा करना है और ब्राह्मणों का मतलब आशीर्वाद वगैरह लेके मंगलाचरण करने के बाद उस कुटी में प्रवेश करना है। और उसके बाद में शरीर को संशोधन उपक्रम करना है, शरीर को संशोधन उपक्रम आगे बता रहे हैं कि क्या खा के, मतलब क्या है कि कोष्ठ शुद्धि होना जरूरी है, संशोधन करने के बाद फिर रसायन का सेवन करना है। तो इससे क्या होगा कि फिर रसायन के जो भी गुण हैं वो प्राप्त होने लगते हैं। एक एक मैं प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ, हमारे जो गुरुजी है ना उनसे
मतलब हमारे जो समीर जमद अग्नि सर हैं उनकी इतनी स्मृति है ना, इतनी मतलब मुझे तो इतना अच्छे लगते हैं वो गुरुजी। एक तो उनका एक बहुत अच्छा गुण है हमारे गुरुजी का, उनके 35,000 स्टूडेंट्स हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर जो सक्सेसफुल डॉक्टर हैं। तो जब मैं उनके पास जाता था BMS के टाइम, तो उनसे कुछ लोगों ने पर्सनल चीजें पूछी कि सर आपका एक मेमोरी इतना शार्प कैसे है, क्योंकि जब वो जाते हैं जैसे सिंहगढ़ में लेके गए, वहां के जंगल में लेके गए, तो जितनी वनस्पतियां हैं उनको सब याद है, वो पूरा रस विधि विपाक उसका उपयोग सब बताते हैं। मतलब ऐसा कोई वनस्पति नहीं है जो उनको नहीं आता है। उन्होंने इतना द्रव्य गुण का, बॉटनी का, उनका लैटिन नेम इतना सारा याद है उनको, पेशेंट में भी इतना सक्सेसफुल है, इतना अच्छा द्रव्य गुण भी उनका अच्छा है, उनका मतलब पदार्थ विज्ञान भी अच्छा है, उनका हर आयुर्वेद के जितने अंग है उनके इतना स्ट्रांग है। तो एक और वो रसायन का सेवन करते हैं, इतने यंग दिखते हैं, स्मृति भी अच्छा है, उनका वाणी भी अच्छा है, और जो बोलते हैं वो सच भी होता है, हर चीज जो बताया है रसायन में वो सब उनमें दिखता है। तो उनसे किसी ने पर्सनल क्वेश्चन पूछा कि गुरुजी आपका शुक्र धातु इतना अच्छा कैसे है, मतलब आपका मेधा और इतने गोरे कैसे दिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये रोज क्या करता हूँ कि जो रसायन अध्याय में संशोधन वाला जो चीज है, मतलब हरित की और सेंधा नमक और वचा, इसका सेवन रात को कर लेता हूँ, इससे मेरा कोष्ठ शुद्धि हो जाता है। कोष्ठ शुद्धि होता है तो जो वायु है वो पूरा प्राकृत हो जाता है, और मैं सुबह उठने के बाद मतलब पूजा पाठ वगैरह, ध्यान धारणा, हवन, ये सब करके ग्रंथ का अभ्यास करता हूँ। तो जैसे ऋषि मुनि लोगों ने लिखा है उस तरह का करता हूँ, तो मुझे सारा रसायन की प्राप्ति हो गई है। तो मेरा शुक्र धातु भी मतलब निश्चित रहता है शरीर में, वो मतलब उसका क्षय नहीं होता। तो यह जो बताया ना, इससे बहुत सारे उनके स्टूडेंट हैं उन्होंने भी अपनाना शुरू किया, उनमें भी ये फायदा हुआ। तो यही संशोधन औषध है उसके बारे में बता रहे हैं। 25th नंबर का श्लोक देखिए, हरित की नाम चूर्णानी सैंधवा अम्ल के गुणम वचा विडंगम रजनीम पिपलिम विश्व भेषजम पिबेद दुष्णाम्बु नाम जंतु स्नेह स्वेदोपपादिता तेन शुद्ध शरीराय कृत संसर्जनाय च त्रिरात्रम यावकम दद्यात् पंचाहम वापि सर्पिषा सप्ताहम वा पुराणस्य यावत् शुद्धेषु वर्चसः शुद्धकोष्ठं तु तं ज्ञात्वा रसायनमुपाचरेत् वह प्रकृति सात्मज्ञो यौगिकं यस्य यद् भवेत्। इसका मतलब यह है कि हरित की लेना है, हरित की जो रहता है, हरित की के अलग अलग टाइप बताएं, 7 प्रकार के हरित की होती है, उसमें भी प्रशस्त हरित की फ्रेश लेके आना है और उसका चूर्ण बनाना है, और सेंधा नमक लेना है, आमलकी लेना है, गुड़ लेना है, वचा लेना है, विडंग लेना है, हल्दी लेना है, पिपली लेना है और शुंठी लेना है, इन सबका समान भाग में चूर्ण बना लेना है। उसके बाद में क्या करना है कि स्नेहन करने के बाद मतलब घृत पान करना है, फिर स्वेदन करना है और उष्ण जल का सेवन करना है गर्म पानी के, और यह जो पाउडर है गर्म पानी के साथ में लेना है रोज। इससे क्या होगा, 3-4 दिन तक लेना है, इससे क्या होगा कि शरीर का सम्यक शोधन हो जाएगा, मतलब मल जो है इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें रेत के कण की तरह, मतलब सैंड के कण की तरह जो भी चिपका चिपका है सारा मल निकल जाता है, आम दोष का पचन हो जाता है। और संसर्जन क्रम फिर करना है 3 दिन के बाद, अगर अवर शुद्धि हुई है तो 3 रात्रि तक यह करना है संसर्जन क्रम, अगर मध्यम शुद्धि हुई है तो 5 रात्रि तक, और अगर उत्तम शुद्धि हुई है तो 7 रात्रि तक यह करना है संसर्जन क्रम करना है। और उसके बाद में यव का यवागु लेना है, यव मतलब जौ, जौ का ना यवागु का सेवन करना है। उससे क्या होगा कि यव जो रहता है उसमें रफेज होता है, तो वो पूरा क्लीन करता है, जिस तरह से ब्रश हम लोग दांत घिसते हैं उसी तरह से यव का यवागु अगर लेंगे तो उससे, और उसको यव का यवागु के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में घृत का सेवन करना है, तो इससे शरीर शुद्ध हो जाता है, पुराना मल जो संचित है वह सब निकल जाता है। और जब यह जान ले कि शरीर शुद्ध हो गया है, तब उसका वय प्रकृति साथ में इसके अनुसार रसायन का सेवन करना है। रसायन का जो सेवन है वो हम कल बताएंगे, क्योंकि अभी 1 घंटा हो गया है, हर रोज ना हम लोग 1 घंटा पढ़ेंगे तो ठीक है, क्योंकि आप लोगों को आगे डेली रूटीन का भी काम करना जरूरी है, तो हम लोग 1 घंटा रोज सुबह पढ़ेंगे, कल रसायन का हम लोग आगे का करेंगे। और फिर ना आज 3 बजे मेरा लेक्चर होगा, और उसमें हम प्रश्न उत्तर जो भी है आप लोग का वो करेंगे। तो अभी मैं ये विराम देता हूँ और हम लोग कल मिलेंगे। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, आप लोग आशीर्वाद देते रहिए कि हम लोग रोज चरक संहिता थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, डिस्कस करते रहें। प्रणाम।